गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट। आज हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे, गीता वचनामृतानी, यानी गीता के अमृत वचन। पहले बच्चों इसके बारे में आपको बताती हूँ कि गीता महाभारत के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश उस समय दिया जब वे अपने और पराये के भेद में उलझ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और यह उपदेश उन्होंने कुरुक्षेत्र में कराया था। कुरुक्षेत्र एक जगह का नाम है, वहाँ पर उन्होंने यह गीता का उपदेश दिया था। तो बच्चों सबसे पहले हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्जस्व नैवम पापम वाप्यस्यसि। यानी कि सुख दुखे समे कृत्वा, जब वो अपने पराये के भेद में उलझ गए अर्जुन, तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया क्या कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान करके, समान समझकर, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर, ततो युद्धाय युज्जस्व, तुम उठो और युद्ध करो, तुम उठो और युद्ध करो, इन सभी को समान मानकर, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सभी को एक जैसा समझकर, तुम उठो, ततो युद्धाय युज्जस्व, तुम उठो और युद्ध के लिए तैयार हो। नैवम पापम वाप्यससि, और नैवम यानी कि नहीं प्राप्त होंगे तुम इस तरह से, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तू इस तरह से युद्ध करने से, तेरे मन में ये शंका है कि मैं पाप को प्राप्त हो जाऊंगा, तो इस तरह से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अब आगे नेक्स्ट, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। परित्राणाय साधुनाम यानी कि साधुओं की रक्षा के लिए, साधु यानी भक्तों की, परित्राणाय साधुनाम भक्तों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम और पाप कर्म को विनाश करने के लिए, जो पाप कर्म है उनका विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय और च यहाँ पर लगेगा च यानी और। सबसे पहले तो परित्राणाय साधुनाम यानी कि साधु यानी भक्तों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, धर्म स्थापनार्थ धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए, संभवामी युगे युगे, में हर युग में, मैं जितने भी युग है उसमें प्रकट हुआ करता हूँ, मैं हर युग में पैदा होता हूँ, मैं ये हर युग में होता हूँ, साधुओं की रक्षा के लिए और पाप कर्मों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। थर्ड श्लोक है, मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि बच्चों आप थर्ड श्लोक देखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कि जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हें करना चाहिए कर्म, वह कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, और फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। तुम फल करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार कर्म करने का है, तुम्हारा अधिकार कर्म करने का, फल की चिंता करने का नहीं है कि क्या होगा इसके बाद में, ये तुम चिंता मत करो, तुम अपना कर्म करो। माँ कर्म फले हेतुर्भू माँ ते संगोस्त्व कर्मणि, यानी कि फल, ये तू कर्म फल के कारण वाला मत बनना, यानी कि तू कर्म फल है उसका कारण कभी मत बनना। तो कर्म फल माँ यानी नहीं, कर्म फल हेतुर्भू, तू कर्म फल का कारण नहीं बनना। माँ ते संगोस्त्व कर्मणि, और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो, यानी तुम्हारे मन में काम नहीं करने की भी आसक्ति नहीं हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि तुम कर्म फल के का कारण भी मत बनना, और तुम्हारे अंदर ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम नहीं करूँगा, अकर्म का भी, अकर्म की भी आसक्ति तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इसलिए तुम बिना किसी झिझक के अपना कर्तव्य निभाते जाओ, अपना कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। नेक्स्ट है बच्चों, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यो त्यापो न शोषयति मारुत। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, हे बच्चों, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, यानी कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, नैनम नहीं काट सकते, छिद्दन्ति काट सकते हैं शस्त्राणि, इस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकते। नैनम दहति पावकम, और इस आत्मा को न कोई उसे आग से जला सकता है, यानी कि आत्मा को न आग से जला सकते हैं आत्मा, न उसे कोई शस्त्र काट सकता है। न चैनम क्लेदयन्त्यो त्यापो न शोषयति मारुतो, और बच्चों न इस आत्मा को कोई पानी से भिगो सकता है। न चैनम क्लेदयन्त्योपि, यानी कि कोई उसे पानी से भिगो सकता है। न शोषयति मारुतो, और न ही उसे हवा सुखा सकती है। कहने का मतलब है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, और न उसे हवा सुखा सकती है। यानी कि बच्चों, जो आत्मा है हमारे, उसको न शस्त्र काट सकते हैं, न उसे हवा ये आग जला सकती है, और न उसे पानी भिगो सकती है, पानी से भिगो सकते हैं, और न ही उसे हवा से सुखा सकते हैं, यानी आत्मा अमर है। नेक्स्ट बच्चों, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सयाति नवानि देही। तो बच्चों, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर वासानी जीर्णानि यथा विहाय, यानी कि वासानी यानी वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने, यथा विहाय जैसे छोड़ देते हैं, जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़ देते हैं, नवानि गृहणाति नरो पराणि, और मनुष्य नए वस्त्रों को धारण करता है, मनुष्य नए वस्त्रों को धारण करता है, त
तथा शरीराणी विहाय जीर्णानी, उसी तरीके से जो आत्मा है तथा शरीराणी विहाय जीर्णानी, ये जो हमारी आत्मा है वह भी पुराने शरीर को छोड़कर, यथा शरीराणी विहाय जीर्णानी यानी कि जैसे पुराने शरीर को जीर्णानी यानी पुराने विहाय यानी छोड़कर, शरीराणी यानी शरीर को पुराने शरीर को छोड़कर यह आत्मा अन्यानि संयाति नवानि देही, यानी कि इस पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। हमारी आत्मा भी जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी तरीके से ये जो आत्मा है वह पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। नेक्स्ट बच्चों श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनम् सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जब जब, यदा यदा ही धर्मस्य यानी जब जब वास्तव में, जब जब वास्तव में, ही का मतलब होता है वास्तव में, धर्मस्य ग्लानि भवति, धर्म की हानि होती है। जब जब, यदा यदा यानी जब जब, ही यानी वास्तव में, धर्मस्य धर्म की ग्लानि भवति, हानि होती है। भारत, हे भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य, और वृद्धि होती है, अभ्युत्थानम का मतलब होता है वृद्धि होती है अधर्म की, और अधर्म की वृद्धि होती है। तदा आत्मन, तब मैं आत्मनम यानी कि मैं प्रकट होता हूँ, तब मैं प्रकट होता हूँ, सृजाम्यहम, और मैं लोगों के सामने प्रकट होता हूँ, लोगों के सम्मुख में प्रकट होता हूँ, अपना रूप लेकर लोगों के सामने मैं प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, हे भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य यानी कि और वृद्धि होती है अधर्म की, और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, तदा आत्मनम यानी कि तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ यानी कि मैं पैदा अपने रूप को लेता हूँ, और सृजाम्यहम यानी कि रूप को रचता हूँ और लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। यानी कहने का मतलब है कि मैं जन्म लेता हूँ, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। नेक्स्ट बच्चों हैं, ये लास्ट श्लोक है, तत्मादिदेवं पुरुष पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानं वेतासि वेदं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमंतरं रूप। यानी कि अब अर्जुन कहते हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, अर्जुन स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, क्या कह रहे हैं, त्वमादिदेवम, हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, तुम ही आदि देव हो, हे कृष्ण भगवान, तुम ही आदि देव हो, पुरुष पुराण, और तुम कौन हो, पुरुष पुराण हो, तुम कौन हो, पुराण पुरुष हो, तुम ही आदि देव हो, आप ही आदि देव हो, हे प्रभु, आप ही आदि देव हो और पुराण पुरुष हो आप, त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम, और आप ही इस संसार के परम आश्रय और आप ही परम निदान हो यानी उपाय हो, आप ही इस विश्व के परम उपाय हो, निधान हो, परम आश्रय हो, वेतासि वेदम च परम च धाम, और आप कौन हो, आप वेतासि वेदम यानी आप सबको जानने वाले हो,
आप सबको जानने वाले हो। च पर च धाम, और क्या हो आप? जानने योग्य हो, जानने योग्य हो। और आप ही परम धाम हो। परच धाम, और आप ही परम धाम हो। तवाय ततम विश्वम अनंतर रूपम, और क्या है कि आपके रूप का, तवाय यानी तुम्हारे, आपके ततम विश्वम अनंतर रूपम, आप ही संपूर्ण संसार में व्याप्त हो, आप ही इस पूरे संसार में व्याप्त हो, फैले हुए हो, आप हर जगह पर हो, आप इस पूरे संसार में फैले हुए हो, और आपके रूपों का कोई अंत नहीं है, आपके रूपों का कोई अंत नहीं है। आप ही आदिदेव हो, पुरुष पुराण हो, और आप ही उपाय हो, आप ही कारण हो। तमस्य विश्वस्य पर निदानम, यानी कि आप ही इस संसार के परम आश्रय हो। वेदासी वेदम च परम च धाम, और आप ही सबको जानने वाले, सबको जानने वाले यानी जानने योग्य, और च और परम धाम, और परम धाम हो आप। तवा तत्तम विश्वमंतरम रूपम, यानी कि आपके रूपों का कोई अंत नहीं है, आप पूरे संपूर्ण, जितना भी है उतना पूरा संपूर्ण संसार में व्याप्त हो, आप हर जगह हो, आप हर जगह हो, संपूर्ण संसार में व्याप्त हो, आपके रूपों का कोई अंत नहीं है। तो बच्चों, मेरे समझ से आपको ये सब श्लोक समझ में आ गए होंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक